गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने एवरेज के ऊपर बनाया था और उसे ही कंटिन्यू हम करेंगे। इसके ऊपर कुछ स्पेशल क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि 40 परिणामों का जो औसत है वो 50 है और अन्य 60 परिणामों का औसत अपने को 55 दे रखा है, तो सभी परिणामों का हमें यहाँ पर औसत फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, और इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर। तो 40 परिणामों का औसत 50 है, लेकिन हमें 40 परिणामों का औसत टोटल नहीं दिया गया, कुल औसत यहाँ पे नहीं बताया, कुल मान यहाँ नहीं बताया गया, तो हम टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल निकालने के क्या हो गया, टोटल 40 परिणामों का मान कितना हो गया, 40 इंटू, हमेशा एवरेज के अंदर आपको कुल निकालना होगा, यानी टोटल निकालना होगा, और टोटल के अंदर हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना आ गया, 5×20 2000, ठीक है। अब 60 परिणामों का टोटल हम निकाल लेंगे भी, क्योंकि अलग दे रखा है, तो का मान कितना आ गया भी, 60 इंटू में 55, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 6×5 30, 6×3 33, और यानी 3300। अब हमें बताना कि सभी परिणामों का, तो वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे कि कुल मान अपने पास दो वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे और टोटल संख्या कितनी है, 40 और 60, ठीक है। तो आप देखोगे सभी परिणामों का औसत कितना आ गया, 2000 प्लस में 3300 और नीचे कितना, 60 प्लस में 40। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 53, ये एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। तो एवरेज मैं मानता हूँ कि बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बात है। आपको कहाँ दिक्कत होगी, यानी आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ सकती है, करने में फॉर्मेट एक रहेगा, कोई अलग से आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई अलग रूलिंग नहीं लगानी, सिर्फ ये चीजें हम करते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु हमें दे रखी है 30 वर्ष, ठीक है। हमें कुल नहीं बताया गया है, टोटल दे रखी है, वो औसत आयु दे रखी है ओनली। यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेंगे तो औसत आयु थी वो 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कितने सदस्य टीम में, 10 सदस्य थे, कप्तान को और शामिल करेंगे तो कप्तान कितने हो गए, टोटल संख्या 11 है, और जो एवरेज था उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि कप्तान की जो आयु वो कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी मैंने सिंपली आपको पहले बता चुका हूँ कि एवरेज के अंदर आपको टोटल निकालना पड़ेगा, यानी 10 सदस्यों की टोटल आप आयु निकालोगे तो 30 इंटू में 10 आपको करना होगा, तो ये आंसर आ गया 300, ठीक, 300 बरस। अब देखिए कप्तान को और शामिल करेगा, कप्तान शामिल होगा तो टोटल कितने होंगे, 11 सदस्य, ठीक है। तो टोटल निकालेंगे तो कितनी होगी आयु, पहले 30 थी ना, लेकिन कितने वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष, तो 30 की जगह अब की बार क्या लिखा जाएगा, 32, और टोटल निकालने तो अब की बार 11 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, 352 वर्ष। अब आप देख पा रहे हो, आपको आंसर फाइनली मिल गया होगा कि 10 सदस्यों में तो 300 वर्ष है और 11 सदस्यों में 352 है, तो इसमें से अगर इस 300 को माइनस कर देता हूं तो आपके सामने 52 वर्ष निकल के आ जाएगा, वो कप्तान की एज आ जाएगी। आया समझ में क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी जो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए 5 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, यानी जो 5 नए छात्र है उनकी हमें एवरेज एज यहाँ पर निकालनी है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको कहा टोटल निकालना पड़ेगा, यानी 10 छात्रों की कितनी है औसत आयु, 20 वर्ष है, तो 10 छात्रों की औसत आयु आप देखोगे यहाँ पर कितनी आ गई, 20 वर्ष। मैंने आपको बताया था टोटल आपको निकालनी है, तो टोटल 10 की कितनी आ गई भी, 20 × 10 यानी 200 वर्ष आ गई, ठीक है, 10 × 20। अब आप देख पा रहे हो कि 5 नए छात्र जब और ऐड होंगे तो 10 छात्र थे, 5 और आगे तो कितने हो गए, 15 है, ठीक है। अब
15 छात्रों की जो औसत आई वो कितनी है, आप देख पा रहे हो, यही 5 नए छात्र और ऐड होंगे तो 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में, यानी 20 वर्ष थी तो 5 वर्ष का मतलब 25 हो गया, सॉरी हाँ 20 वर्ष थी तो औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती, 2 वर्ष की वृद्धि होती है तो 20 वर्ष थी 2 वर्ष वृद्धि होगी तो 22 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर हम टोटल निकाल लें किनका, 15 छात्रों का टोटल आयु निकाल लें तो 22 × 15 कितना आ गया, अभी 330 वर्ष आ गया, ठीक है यही आएगा। अब आप देखोगे कि 10 छात्रों की कुल आयु 200 वर्ष है, 15 छात्रों की कुल आयु 330 वर्ष है, तो अगर 15 छात्रों में से 10 छात्रों को अगर माइनस कर देता हूं तो 5 छात्रों की कुल आयु आएगी, नहीं बिल्कुल आएगी, तो 5 छात्रों की कुल आयु यहां पर अपने पास निकल कर आ गई है, यानी 330 में से आप माइनस करोगे 200 तो कितना बचेगा, आप देख पा रहे हैं यहां पर 300 में से 200 गया तो गया, ठीक है, और 130 बचेगा, कितना बचेगा 130 वर्ष बचेगा। ये 5 छात्रों की कुल आयु है, ये बात आप विशेष कर ध्यान रखना, हमें बतानी है यहाँ पर एवरेज, एवरेज का मतलब औसत आयु हम बताएंगे तो आप जानते हो 130 अपॉन में 5 का भाग दोगे तो एवरेज निकल के आ जाएगी 26 वर्ष, 6 × 5 = 30, ठीक है, 5 × 2 = 10 और 3 = 13 है तो 130 आ गया, 26 × 5 तो 26 वर्ष आ गई, ऐसे करने हैं, ये आंसर नहीं है, ये तो कुल आयु है, ये चीजें आपको देखनी है और हमें एवरेज जो निकालनी है, तो आपको पता है कि कुल संख्याओं का योग बटे राशियों की संख्या वो सिस्टम है, तो वो चीजें दे रखी है पहले, तो औसत निकालना तो 5 का हम भाग दे देंगे, 26 वर्ष इसका फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में मिल जाते हैं, तो इनकी एक ट्रिक मान लीजिए या एक कंसेप्ट मान लीजिए, जो भी चीज मान लीजिए, बड़े इजी से हम करेंगे इसको, क्वेश्चन की पहचान कर लीजिए कि भी ये क्वेश्चन आपने पहचान लिया, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपको बेहिचक इसको एक सेकंड के अंदर करना होगा, कि यदि 20 संख्याओं का औसत यहाँ पर 12 दे रखा है अपने को, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया, यानी यहाँ पर 2 से गुणा किया जा रहा है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में अगर पढ़े हम कि 12 संख्याओं का जो औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कुछ, तो नया औसत क्या होगा, प्रश्न सेम है, यहाँ पर गुणा की बात आ रही है, यहाँ पर जोड़ की बात आ रही है, यानी दोनों में चेंजेस यही है, तो दोनों बड़े इजी तरीके से हम करेंगे। ऐसे प्रश्न जब मिल जाए आपको, तो जिन संख्याओं का जो औसत होता है, ये जो औसत दे रखा है, यहाँ गुणा करने की बात आई है तो इससे गुणा कर दोगे, किसको करोगे, जो संख्या आपको दे रखी है 2 से गुणा करने पर, तो 12 × 2 = 24 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके में क्या करेंगे कि इन संख्याओं का औसत कितना है 18, तो इस संख्या के औसत से अपना काम रहेगा। अब यहाँ जोड़ने की जब बात हो रही है तो प्लस कर देंगे, कितना 3, 18 और 3 कितना होते हैं 21, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन उनको वही बात है कि अपनों ने अगर रिटर्न में कर रखा है अच्छे से तभी हम कर पाएंगे, अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा तो वो या तो इसको माथापच्ची करेगा इसके अंदर करने की, अगर नहीं आएगा तो वो छोड़ देगा, तो ऐसे प्रश्नों में समय लगता है, लेकिन एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर, आपने देखा कि सिर्फ कुछ आंसर नहीं है, आप ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप माइंड से भी इसको सेट कर सकते हो, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो हमें वही करना पड़ेगा, माइनस की या प्लस की कोई बात करें तो वही चीज़ें अपने को यहाँ करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x² + y² = 41, xy = 20 हो तो x तथा y का औसत ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो वही बात मैंने आपको बताई, बेसिक्स आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आप आराम से कर दोगे। औसत की बात हो रही है तो आप यहाँ अपने को दे रखा है x² + y² = 41 और यहाँ xy दे रखा है, तो अपने दिमाग में एक बात आनी बहुत जरूरी है, देखो सारी चीजें अपने माइंड में सेट होनी चाहिए तभी हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने देखा कि x² + y² ऐसा कुछ मेथड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक्स वाई मल्टीप्लाई में है तो वेरिएबल अपने को 2 ही दे रखे हैं यहाँ पर x और y, ऐसा कहाँ आता है जहाँ x² + y² हो या एक्स वाई मल्टीप्लाई में हो, ये चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो हम अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट कि एक्स प्लस अगर वाई का मैं होल स्क्वायर यहाँ करता हूँ तो आप जानते हो x² + y² + 2xy ये चीज़ें आती हैं। अब करना क्या होगा अपने को, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, इस एक्स वाई की वैल्यू अपने को दे रखी है, सारी पुट करनी है इसके अंदर, सिंपली देखो कितना क्या आंसर आता है,
अगर इसको 41 और ये एक्स वाई कितने 20 है 40, यानी कहने का मतलब ये 81 इसका आगे, यानी एक्स प्लस वाई अगर मैं निकालता हूँ तो ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट लगेगा, रूट लगने से क्या आ गया 9 आ गया, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 9 आ गई। लेकिन निकालना क्या है, ये बोल रहा है कि एक्स तथा वाई का जो औसत निकालना है, औसत निकालना तो क्या करते हैं, दो से भाग दे देंगे, दो संख्याओं ऐड करके अपन करते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में जिन्हें सिखाई थी तो उसे डिवाइड कर दीजिए, इसको इसका एवरेज आ जाएगा एक्स प्लस वाई 9 अपॉन में 2, यानी 4.5 इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रश्न किसी एग्जाम में आया हुआ है, अभी मेरे को नहीं पता तो मैं बता देता आपको, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है, यानी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से तो क्या है दुगुनी है और तीसरी की वह आधी है, तीनों संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, पहली व तीसरी संख्या का डिफरेंस अपने को यहाँ पर बताना है, तो कोई संख्या नहीं बता तो लेट कर लेंगे भी अपन। सबसे पहले दूसरी संख्या लेट करें, क्यों दूसरी संख्या में एक्स मानो, क्योंकि ये जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है, इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसकी दुगनी होगा तो दूसरी को ही मानेंगे सबसे पहले, तो पहली कितनी आ गई भी, पहली इसकी दुगनी 2x और तीसरी संख्या क्या आ गई, यानी पहली ये पहली संख्या इसकी आधी है, इसका मतलब ये कितना हो गया अभी 4x, यही हो गया, तीनों संख्याएं अपनों ने यहाँ पर लेट कर ली है। अब तीनों संख्याओं को हमें क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है 56, तो आप देखोगे कि तीनों का जो औसत दे रखा है वो औसत कितना है 56, लेकिन औसत निकलता क्या है राशियों का संख्या बटे नहीं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कहने का मतलब x प्लस में 2x प्लस में 4x अपॉन में कितना आ गया भी 3 इक्वल में 56, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आप देख पा रहे हो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से करेंगे तो 56 इंटू में 3 और अपॉन में 4 2 3 7 7 8 56, यानी x की वैल्यू 24 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 24 आ गई। फाइंड आउट क्या करना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या पर्टिकुलर निकालने x की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, तो पहली संख्या कितनी आ गई भी आप देख पा रहे हो 2 इंटू में 24 आ गई 48, ठीक है, और तीसरी कितनी आ गई भी तीसरी आ गई 4 इंटू में 24 यानी 96, इन दोनों का डिफरेंस बताना है 48 ही डिफरेंस आएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न बड़े इजी हैं, बस सिर्फ लैंग्वेज को समझने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, जबकि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया हुआ है, यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है तब सोमवार का तापमान ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान, कहने का मतलब ये हो गया कि मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेनसडे अपॉन में क्या लिखेंगे अभी औसत तापमान का मतलब ये हो गया 3, तीन संख्याओं का निकालना है और अपॉन में हमें देखा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हो गया। यहाँ से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं या इसको आगे करते हैं, तो मंडे ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे कितना आ गया 120 डिग्री सेल्सियस, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, यानी मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये चीज़ आ गई। हमें क्या निकालना है, मंडे का तापमान, यानी मंडे का जब तापमान निकालना है तो ट्यूजडे और वेडनेसडे का तापमान मेरे को पता होना चाहिए, तो ट्यूजडे का चलिए और पढ़ते हैं, उसके बाद मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान दे रखा है, यानी ट्यूजडे एलएच वेनेसडे और थर्सडे का जो औसत तापमान दे रखा है 3 = 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे कुल कितना आ गया 4 × 3 = 123 डिग्री सेल्सियस ये तापमान आ गया। ठीक है इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया है। अब आप देखोगे और क्या दिया हुआ है कि गुरुवार का तापमान यानी थर्सडे का टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है, तो मैं थर्सडे इसके अंदर तो नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं किसकी थर्सडे की, तो ये कितना आ गया इसका मतलब ट्यूजडे वेडनेसडे इक्वल में 123 डिग्री में से क्या मान इसका थर्सडे का जो तापमान 42 डिग्री अगर माइनस कर दें तो कितना आ गया 81 डिग्री सेल्सियस आ गया, कितना आ गया 81 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हम ये जो वैल्यू ट्यूजडे और वेनसडे की जो आई है ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर दें तो मंडे की आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, आप देख पा रहे हो हमें मंडे की फाइंड आउट करने तो 120 डिग्री में से फाइंड आउट करते हैं
81 डिग्री यानी 39 डिग्री आपका फाइनल आंसर आ गया। प्रश्न बड़ा अच्छा था, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम को अंदर हमें देखने को काफ़ी मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्न करने का तरीका एक एक कि आप एक एक लैंग्वेज को पढ़िए, जो चीज़ दी गई उसे रिटर्न में लिख लीजिए और फाइनल आपका आंसर निकल के जाएगा। मेन बात होती है प्रैक्टिस पे, ऐसे क्वेश्चन कितने आपने कर रखे हैं। तो आज के लिए इतने ही, बाकी क्वेश्चन जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे नया उसके अंदर डालेंगे। और अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से। अगर एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जीके का वीडियो भी मैं जल्दी ही आज या कल बना दूंगा, एक अच्छा कल्चर का, राजस्थान के कल्चर का, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।